हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ, सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हम लोग आज फिर से मिले हैं क्वेरी सेशन के लिए, जो हम नया सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। इसमें सारे यूट्यूब पे मेरे जितने भी रिप्लाई आते हैं सबको लेके मैंने एक वीडियो स्टार्ट किया है कि एक वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूँ, सोल्यूशन दूँ उनका एक ही वीडियो में। तो ये आज फोर्थ वीडियो है, चौथा वीडियो है क्वेरी सेशन का। आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को लेके उसका आंसर देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहे और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कुछ इन्फॉर्मेशन मिला आपको इस वीडियो से, तो इस इन्फॉर्मेशन के लिए, उस नॉलेज के लिए आप वीडियो लाइक ज़रूर करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन, अगर आप सोलर पैनल खरीद परचेस करते हो या आप लगा चुके हो, तो उसमें पीछे के साइड में एक प्लेट होता है जिसमें सारा डिस्क्रिप्शन लिखा होता है पैनल के पीछे में। ठीक है, तो उनमें जो कुछ कुछ शॉर्ट टर्म होते हैं और कुछ कुछ ऐसे लाइन होते हैं जो हम समझ नहीं पाते। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं जो अक्सर व्यूअर्स मुझे पूछते हैं कि VOC क्या है, ISC क्या है, IMP क्या है, तो ये सब चीज़ क्या है और क्या इसका मायने है, क्या मतलब है, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इन पे बात करने वाले हैं आज। ठीक है, तो मैं बता दूं कि आप सोलर पैनल जो परचेस करते हैं उनके पीछे में जो नेम प्लेट है, तो उसमें पहला चीज़ होता है VOC। तो VOC का मतलब होता है ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज क्या है? तो ओपन सर्किट मतलब है अगर हम किसी भी सर्किट को कनेक्शन कर रखे हैं लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब उससे करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, तब वो सर्किट कहलाता है ओपन सर्किट वोल्टेज। कनेक्शन किया हुआ है बट वर्क नहीं कर रहा है। जैसे आपने सोलर पैनल लगा रखा है और उसका कनेक्शन कर लिया बट अभी सप्लाई नहीं आ रहा है, या फिर रात के समय सप्लाई नहीं आता, तो उस समय भी वो जो VOC काम करेगा। ठीक है, या फिर आपने पैनल से कनेक्शन किया ही नहीं, वायर खुला हुआ है, उस समय जो आप वोल्टेज चेक करोगे धूप में ले जाके सिर्फ पैनल का, तो जो वोल्टेज आएगा वो होगा ओपन सर्किट वोल्टेज, बिना सर्किट का वोल्टेज। ठीक है, अब बात करते हैं ISC, तो शॉर्ट सर्किट करंट। ISC का मतलब है शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट कितना है? जिस करंट पे सर्किट शॉर्ट हो जाए, मतलब ब्रेक हो जाए, या फिर जो हाईएस्ट करंट है, अगर आप ओपन सर्किट में चेक कर पाओ, लोड ना डालो, और हाईएस्ट करंट जो होगा वो कहलाता है शॉर्ट सर्किट करंट, कि इतना करंट हाईएस्ट है इस पैनल के द्वारा दिया जाने वाला करंट जो है, वो जो हाईएस्ट करंट होगा वो होगा शॉर्ट सर्किट करंट। इसके बाद देखते हैं VMP, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर। तो वोल्टेज, जिस वोल्टेज पे ऑपरेटिंग होता है, जिस वोल्टेज पे हम यूज करते हैं, पैनल का कनेक्शन किया हुआ रहता है ऑन लोड पे। जैसे आप पैनल कनेक्शन कर दोगे और वोल्टेज काम कर रहा है, उस समय जो वोल्टेज चेक करोगे आप, जो वोल्टेज शो करेगा वो वोल्टेज होता है VMP, मतलब वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर, जो यूज कर रहे हो। हमने दो तरह का वोल्टेज देखा, एक वोल्टेज जो ओपन सर्किट है, एक वोल्टेज जो क्लोज सर्किट है, मतलब जब सर्किट पर रहे। और हम देखते हैं PMAX, आपको पैनल में दिखेगा PMAX लिखा हुआ, मतलब उस पैनल का मैक्सिमम पावर देने का कैपेसिटी क्या है, कितना मैक्सिमम पावर वो देगा। तो इसका पैनल का मैक्सिमम पावर इतना दे सकता है। और आपको बता दूं, PMAX के बाद आप देखोगे टॉलरेंस, जो टॉलरेंस है ये भी आपको शो करेगा पैनल में, +5 -5 या +3 -3 +2 -2 ऐसा करके जो परसेंटेज में लिखा हुआ रहेगा टॉलरेंस। इसका मतलब ये है जो पावर दिया गया है, अगर मान लो 150 वाट का पैनल है तो वो +3 भी हो सकता है, मतलब 150 से ज़्यादा पावर भी दे सकता है और 150 से कम पावर भी दे सकता है, +3 भी हो सकता है, 3%। ठीक है, तो ऊपर और नीचे ये हो सकता है टॉलरेंस। हम सोलर बैटरी का यूज़ नॉर्मल घरों के लिए कर सकते हैं कि नहीं? घरों के लिए इन द सेंस मेन से, जो आप गवर्नमेंट का लाइट लेते हो इसको मेन बोलते हैं, मेन से चार्ज कर सकते हैं कि नहीं, मेन से कनेक्शन कर सकते हैं कि नहीं सोलर पैनल, सोलर बैटरी का इन्वर्टर से? तो सोलर बैटरी का कनेक्शन आप मेन से ना करो, क्योंकि एक साइकिल होता है सोलर बैटरी में। ठीक है, C10 C20 मैंने बताया था, मैं पहले भी अपलोड कर रखा हूँ बैटरी का सी रेटिंग वाला, जो भी चीज़ होता है कि सी रेटिंग, वो समझा चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में, आप चाहो तो उसको देख सकते हो। तो सोलर बैटरी में जो एक रेटिंग होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेटिंग, तो वो आप नॉर्मल मेन से लेके नहीं फिल कर पाओगे, क्योंकि सोलर बैटरी क्या होता है, ओनली दिन में चार्ज होता है और एक कंटिन्यूसली चार्ज होता है दिन में, एक साइकिल बनता है उसका। और बट आप क्या करते हो, नॉर्मल जो मेन से सप्लाई ले रहे हो और उससे चार्ज कर रहे हो मेन से लेके, तो उसका
चार्जिंग और डिस्चार्जिंग रेट अलग रहता है, क्योंकि वो कभी भी चार्जिंग कर रहे हो और कभी भी डिस्चार्जिंग कर रहे हो। तो ये सोलर बैटरी का यूज आप जो है नॉर्मल मेन के लिए ना करो तो बेटर है बैटरी के लिए। अगर आप करते हो, हाँ हालांकि कर सकते हो आप, लेकिन अगर करते हो तो क्या होगा कि बैटरी का लाइफ थोड़ा कम हो जाएगा। बैटरी अगर चलना है 5 साल तो 4.5 साल या 4 साल चलेगा, ठीक है। तो पूरा जितना लाइफ होना है वो उस लाइफ से थोड़ा कम हो जाएगा उसका लाइफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 150 AH का आपके पास बैटरी है, एक बैटरी 12 वोल्ट का, और उस बैटरी को आप 250 वाट या 300 वाट से पैनल कनेक्शन नहीं कर सकते हो आप। मुझे ये भी कमेंट बहुत आते हैं कि मेरे पास 250 वाट का पैनल है या 200 वाट का पैनल है या 300 वाट का पैनल है, उसको हम 12 वोल्ट के बैटरी में जो 150 एम्पेयर या 200 एम्पेयर का है उसको चार्ज कर सकते हैं कि नहीं? तो नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो ज़्यादा पावर का पैनल होता है उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होता है। मतलब अगर मान लो 250 वाट का पैनल है, 255 या 250 या 300 वाट का जो पैनल है, तो उसका वोल्टेज भी ज़्यादा होगा। जैसे कि जस्ट लाइक 250 वाट का जो पैनल है वो 30 वोल्ट देगा, और जो 300 वाट का पैनल है वो 35 वोल्ट देगा, ठीक है। तो 35 वोल्ट वो दे रहा है और हम कितने वोल्ट पे लगा रहे हैं बैटरी में? सिर्फ 12 वोल्ट में। तो सोचो कनेक्शन कैसा बन रहा है, ये कनेक्शन सही है क्या? आप खुद ज़रा सोच लो। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि 12 वोल्ट का बैटरी है और आप उसको दे रहे हो 30 वोल्ट 35 वोल्ट, तो बैटरी क्या होगा, बैटरी का हालत क्या रहेगा, फिर बैटरी का सेल क्या रहेगा? वो डेड होगा ना, सेल डैमेज होगा ना आपका। तो आपको क्या करना है कि जितना वोल्ट का बैटरी है उससे कुछ ज़्यादा लगाना है, थोड़ा ज़्यादा लगाना है। अगर आपके पास 12 वोल्ट का बैटरी है तो आपको 22 वोल्ट तक का पैनल लगा सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। अगर 12 वोल्ट का बैटरी है तो आप 15 वोल्ट 18 वोल्ट 17 वोल्ट या फिर 22 वोल्ट तक वोल्ट का पैनल लगा सकते हो, क्लियर है। अगर आपके पास 24 वोल्ट का बैटरी है, मान लो आपने दो बैटरी सीरीज कर रखा है, 24 वोल्ट बन गया, अब जो है आप 250 वाट का पैनल लगा सकते हो उसमें। तो 250 वाट कितना वोल्ट देगा? 30 वोल्ट। तो 24 वोल्ट का बैटरी 30 वोल्ट पैनल से, तो ये कनेक्शन ओके है, ठीक है। या फिर आप 300 वाट का भी पैनल लगा सकते हो। 300 वाट कितना वोल्ट देगा? 35 वोल्ट। तो ये भी आप चलेगा, 24 वोल्ट में आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आपने समझा कि कितने वोल्ट का बैटरी में कितने वोल्ट का पैनल लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं कौन सा कंपनी का पैनल सबसे अच्छा है। तो ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूँ कि सब बेस्ट सोलर पैनल कौन सा है, बाई मैन्युफैक्चरिंग का भी और बाई क्वालिटी वाइज दोनों बता चुका हूँ मैं एक वीडियो में। आप चाहो तो मेरे यूट्यूब में जाके अपलोडेड वीडियो जो मैं अपलोड कर रखा हूँ उसको देख सकते हो, मैं ये दोनों चीज़ अपलोड कर रखा हूँ। बाई मैन्युफैक्चरिंग कि कौन से कंपनी सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रही है पैनल, और बाई क्वालिटीज वाइज कि कौन से कंपनी का पैनल सबसे अच्छे क्वालिटी का होता है। लेकिन आपको मैं फिर से इस वीडियो में बता दूँ शॉर्टली में कि बाई क्वालिटी वाइज अगर बात किया जाए तो टाटा जो है सबसे अच्छा क्वालिटी का पैनल बनाती है। मैं इसे नंबर वन पे रखा हूँ, ठीक है। आप उस वीडियो में भी देखोगे तो आपको मिलेगा नंबर वन पे टाटा। उसके बाद और भी पैनल आते हैं, जैसे कि लूम सोलर, जो लूम है ये भी अच्छा सोलर पैनल बना रहा है क्वालिटी वाइज, ठीक है, सही है। फिर लूमनेस भी अच्छा बना रहा है, आप लूमनेस का भी ले सकते हो, कोटक अच्छा बना रहा है, ठीक है। तो और भी पैनल है जो मैं उस वीडियो में बता रखा हूँ कि कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो आपने समझा कि बेस्ट कंपनी कौन सा है सोलर का, तो टाटा। उसके बाद बाकी बता दिया हूँ मैं। तो तीन टाइप के पैनल में से सबसे अच्छा पैनल मोनोक्रिस्टलाइन, जो मोनोक्रिस्टलाइन पैनल है ये सबसे अच्छा पैनल है। क्यों अच्छा है? क्योंकि ये जितना स्पेस, मान लो आपने एक स्क्वायर मीटर एरिया में आपने मोनो भी लगाया, एक स्क्वायर मीटर में आपने पॉली भी लगाया, और एक स्क्वायर मीटर में आपने थिन फिल्म लगाया, तो तीनों में से सबसे ज़्यादा जो पावर देगा आपको, प्रोड्यूस करेगा सबसे ज़्यादा पावर जो आपको देगा वो होगा मोनो। तो मोनो का ज़्यादा पावर देने का मतलब ये बनता है कि ज़्यादा एफिशिएंसी इसका अच्छा है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट पैनल कौन हुआ? मोनोक्रिस्टलाइन। और आपको ये भी बता दूं मैं कि सबसे महंगा भी मोनोक्रिस्टलाइन ही होता है। जाहिर सी बात है इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है तो कॉस्ट भी ज़्यादा होगा। डिफरेंस मोनो और पॉली में क्या है? तो डिफरेंस है साइज का। आप जो सेल देखोगे दोनों पैनल का, एक साइड रखो आप पॉली का, एक साइड रखो मोनो का, दोनों का जो
पैनल देखोगे आप, दोनों में देख के आप बता पाओगे कि डिफरेंस क्या है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है दोनों के सेल के साइज में। मोनो का जो सेल होता है वो कटा हुआ होता है, दोनों चारों साइड से कटा हुआ होता है, ठीक है। और पॉली का जो सेल होता है वो रेक्टेंगल एकदम स्क्वायर शेप में होता है, स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर शेप में आपको जो मिलेगा वो होगा पॉली का, जो चारों साइड से कॉर्नर कटा हुआ मिलेगा वो होगा मोनो का। ये बाई लुक हुआ। सबके घर में मोटर लगा होता है, पंप लगा होता है सबके घर में, तो उस पंप को अक्सर व्यूअर्स बोलते हैं कि हम कितने वाट के पैनल से इस पंप को चलाएं, हमें इस पंप को चलाने के लिए कितने वाट का पैनल लगाना है, ठीक है। तो मैं आपको एक सबसे मिनिमम एचपी से लेके हाईएस्ट एचपी तक का मैं कोशिश करता हूँ आज बताने का, और ऑलरेडी मैं डिस्प्ले में दे दूंगा, आपको दिख भी साइड में दिखेगा भी कि कितने एचपी के लिए कितने वाट का पैनल लगाना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि 0.25 एचपी का अगर आपके पास मोटर है, ध्यान देना, 0.25 एचपी का अगर आपके पास मोटर है तो इसके लिए आपको 250 वाट का सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। 250 वाट का पैनल लगाओगे तो जितना एनर्जी चाहिए होगा 0.25 एचपी को, उतना उसे मिल जाएगा। अगर आपके पास 0.5 एचपी का मोटर है तो आप 500 वाट का पैनल लगाओगे। अगर आपके पास 0.75 एचपी का मोटर है तो 750 वाट का पैनल लगाओगे। अगर आपके पास 1 एचपी का मोटर है तो आप 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाओगे। और आप यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, जो 1 एचपी का मोटर है डायरेक्ट एसी से चलाना चाहते हो, अल्टरनेटिंग करंट से चलाना चाह रहे हो आप, तो आपको 746 मतलब 746 वाट देना होगा डायरेक्ट अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट, ठीक है। लेकिन अगर आप उसे सोलर से कनेक्ट करोगे तो आपको 1 किलोवाट देना पड़ेगा। अगर 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाओगे 1 एचपी के लिए, तब वो बाकी कट के, क्योंकि 1 किलोवाट का लगाओगे तो 1 किलोवाट वो देगा नहीं, वो कम देगा। तो कितना कम देगा, वो अप्रॉक्स 750 वाट दे देगा, जितना 1 एचपी को चलाने के लिए चाहिए, ठीक है। अब हमें 1.5 एचपी का मोटर चलाने के लिए या पंप चलाने के लिए, बात दोनों बात सेम है, पंप या मोटर, तो 1.5 एचपी को चलाने के लिए हमें 1500 वाट का पैनल लगाना है। और अगर हमें 2 एचपी का मोटर चलाना है तो आप 1800 वाट से 2000 वाट का पैनल लगा सकते हो। आप 1800 वाट भी लगाओगे तो वो 2 एचपी का मोटर चल जाएगा, वर्क कर जाएगा। अगर 2.5 एचपी का मोटर लगा रहे हो तो आपको 2300 मतलब 2300 वाट का पैनल लगाओगे तो भी चल जाएगा, और 2500 वाट का पैनल लगाओगे तो भी चल जाएगा, वर्क कर जाएगा, ठीक है। अगर हम 3 एचपी का मोटर लगाते हैं, 3 एचपी का, तो हमें 2500 वाट का भी पैनल लगाओगे तो भी वर्क कर जाएगा, 3 एचपी का मोटर चल जाएगा, ठीक है। तो 2500 वाट से लेके 3000 वाट। अगर आप 5 एचपी का मोटर लगा रहे हो तो 4500 वाट से आप 5 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगाना होगा आपको 5 एचपी के लिए। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो पैनल का कनेक्शन करेंगे, हमने तो वाट बताया, अभी को ये नहीं बताया कि हमें कितने पैनल लेने हैं, 250 वाट के या 200 वाट, 500 वाट का पैनल लगाना है तो कितने पैनल लेना है इसमें। तो अब मैं वो बता दूं कि अगर आप मोटर में जो इनपुट वोल्टेज देखोगे, सबसे पहली बात कि मोटर में इनपुट वोल्टेज कितना है, अगर वोल्टेज ज़्यादा है तो आपको वहाँ पे पैरेलल सीरीज करना है, अगर करंट ज़्यादा ले रहा है, मांग डिमांड उसका करंट ज़्यादा है तो आपको पैरेलल करना है, 2 पैनल या 3 पैनल जो भी होगा आपका, तो आपको पैरेलल करना है पैनल का कनेक्शन या सीरीज करना है। ये आपको मोटर में देखना होगा कि मोटर में ज़्यादा वोल्टेज है या ज़्यादा करंट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप पैरेलल या सीरीज करोगे पैनल का। ये नहीं कि सारा पैनल को पैरेलल कर दिए और हमने लगा दिया, वहाँ डिमांड है वोल्टेज का, आप लगा सबको कर दिए पैरेलल करंट इंक्रीज करने के लिए। तो आपको पहले मोटर का इनपुट वोल्टेज और करंट देखना होगा, इस चीज़ का खासकर आप ध्यान देना, ठीक है। तो अभी मैंने जो जितने सारे क्वेश्चन पे हमने जो डिस्कस किया, कैसा लगा वीडियो आपको, इस वीडियो से अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला, कुछ भी नॉलेज मिला, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, बिना लाइक किए जाना मत, क्लियर है। क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया है आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया है, आपको नॉलेज देने के लिए बनाया है, बहुतों को ऐसा है थोड़ा हिंट्स के लिए चाहिए होता है हमें,
तो अगर आपको हिंट्स मिला, कुछ नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक कर देना। सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो अब तक तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैंने बहुत सारा वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है और हर वीक में 2 से 3 वीडियो मेरे अपलोड होते हैं, ठीक है। और हर एक वीडियो में कुछ नया इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, सोलर से रिलेटेड, बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर ही लो आप, कमेंट मुझे दो कि आपको सोलर से रिलेटेड क्या क्वेरी है, क्या क्वेश्चन है, आप लिखो और मुझे रिप्लाई दो कि आपको क्या पूछना है, तब उस क्वेश्चन को लेके मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा और नए वीडियो में आपका क्वेश्चन ऐड करूंगा मैं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।